हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 11। किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बड़ा ही आसान है। पहले ये 2 को एज इट इज रख दीजिए, ये 2 को एज इट इज। फिर क्या करें, ये 2 11 में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट का एडिशन करना है। सो एडिशन क्या होगा, 3 प्लस 2। फिर क्या करेंगे, ये 2 को छोड़ देंगे और इन दोनों का एडिशन कर देंगे, 1 प्लस 3 यानी 1 और 3 का एडिशन। फिर 3 को छोड़ देंगे और इन दोनों का एडिशन कर लेंगे यानी कि 7 प्लस 1, और फिर 1 को छोड़ देंगे और 7 को एज इट इज रख देंगे। अब जो भी है उसको मिला दो, ये 2 एज इट इज, 3 और 2 हो जाएंगे 5 यहाँ पे, 1 और 3 हो जाएंगे 4 यहाँ पे, 7 और 1 हो जाएगा 8 यहाँ पे, और 7 एज इट इज। सो हमारा आंसर बन जाएगा 78452, है ना, बड़ा ही आसान। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल आ गया है हमारे सामने, क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 एज इट इज रख देंगे। फिर क्या करेंगे, 9 प्लस 2 करेंगे, 9 प्लस 2 कितना होगा, 11, 11 11 का 1 यहाँ पे रख देंगे और 1 को कैरी फॉरवर्ड ले लेंगे। फिर 2 को निकाल देंगे और इन दोनों का एडिशन, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 कितना होता है, 16, और 16 और 1 कैरी होगा तो 17, 17 का 7 यहाँ पे है और 1 कैरी अगेन जाएगा, 9 को निकाल देंगे और इन दोनों का एडिशन, 7 5 12 और 1 13, 13 का 3 यहाँ पे, 1 कैरी अगेन जाएगा, 7 को निकाल देंगे, बचेगा क्या, 1 5, 1 5 का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 6 और 1 कैरी के साथ 7, और 5 को निकाल देंगे तो बचा 1, तो 1 यहाँ पे। सो हमारा आंसर बन जाएगा सीधा 173712। बड़ा ही सिंपल है, हाँ जी बड़ा ही सिंपल है। और अब बात करते हैं कि ऐसा किसी भी कितना भी बड़ा नंबर ले लो, आपका मल्टीप्लिकेशन बड़े ही आसान तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, कि मतलब आधे लोग मतलब कभी एग्ज़ाम में सीधा तो आएगा नहीं कि 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, थोड़ा इनडायरेक्टली होगा जैसे इस एग्जाम्पल में। अब जैसे 22 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधे लोग लग जाते हैं कि मतलब ऐसा तो सीखा ही नहीं है, तो 22 को कंसिडर कर लो एज अ 1431 तो रहेगा ही, इंटू 2 इंटू 11, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन तो आप वर्बली कर सकते हो, क्या होगा, 2862 इंटू 11, तो 11 से भी सीधा कर सकते हो, ये 2 एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 8 और 6 और 2 8 हो जाएगा, फिर 2 को निकाल दो, इन दोनों का एडिशन 8 और 6 14 का 4 यहाँ पे, एक कैरी फॉरवर्ड, 6 निकल जाएगा, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ पे और एक कैरी फॉरवर्ड, 8 निकल जाएगा, 2 और 1 3, तो हमारा आंसर बन जाएगा 31482। तो देखा आपने कैसे ही कितने भी बड़े नंबर को बड़े आसानी से आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11, मतलब ऐसे अगर 22 की जगह 23 33 है तो भी चलेगा, 44 है तो भी चलेगा, 55 है तो भी चलेगा, अप टू 99 तक ये सेम ही चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप बड़े ही आसान तरीके से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। थैंक यू।